खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं की लाइफलाइन के रूप में पहचाने जाने वाली केमो बस सर्विस कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन द्वारा यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की शिकायत के बाद केएमओयू को निर्देशित किया गया था कि वो अपने बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें, जिसके लिए उन्हें 3 महीने का समय भी दिया गया। अब यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। हालांकि इसे पूरी तरह लागू करने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर जल्द ही व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आ जाएगी, जिससे यात्रियों का लाभ मिलेगा। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि बेहतर परिवहन व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा और हितों की दृष्टि के चलते ये निर्णय लिया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बैठक हुई थी हमारी, उसमें निर्देश जारी किए गए थे आरटीए द्वारा कि बैठक के 3 महीने उपरांत जितनी भी स्टेज कैरिज की बसेज हैं उनको ई टिकट के माध्यम से जो है टिकटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं जो टिकट्स हैं बस में वो मैनुअल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है, और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करें, और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया, हमें थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, तो हम आरटीए में अभी उनका प्रस्ताव और रिक्वेस्ट के लिए रखेंगे कि इनको और समय दे दिया जाए, जिससे सभी गाड़ियाँ फिर ई टिकटिंग को यूज़ कर सकें।